Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. Karan Jotwani और Suhasi Dhami लौट आए हैं छोटे स्क्रीन पे विद जी टीवी शो आपके आ जाने से। ये है कहानी साहिल और वेदिका की, जहां साहिल दिल से सोचता है, वहीं दूसरी तरफ वेदिका है जो हर चीज कैलकुलेट करके करती है। शो में देखने को मिलेगी एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें लड़का है 24 साल का और लड़की 42 साल की। आइए जानते हैं करण और सुहासी से क्या है उनका कहना उनके कमबैक शो के बारे में। इसी कमबैक के लिए आप दोनों वेट कर रहे थे। हाँ, मतलब मैं लकी हूँ कि एक तो इतना अच्छा बढ़िया टॉपिक है, रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन इट्स समथिंग दैट आई वुड वांट टू एक्सपेरिमेंट विद। और प्लस जी में दोबारा मैं आई हूँ, दिस इज माई थर्ड शो फॉर जी, तो आई रियली होप कि जी की ऑडियंस एक्सेप्ट करे हमें और ये शो थोड़ा सा आगे बढ़ाए। आपके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। इफ यू गो थ्रू माय इंस्टाग्राम पोस्ट यू नो यू विल फाइंड साहिल ओवर देयर। तो एक तरफ से चैलेंजिंग नहीं रहा है, बट एक न्यूएंसेस होते हैं, छोटे छोटी छोटी चीज़ें जो एक किरदार को निभानी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने एक अलग तरीके से एक रिसर्च किया है जो मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट इनकॉरिजिबल, दिल से सोचता है, दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचता, या हालांकि दिमाग से ज़्यादा सोचती हैं। तो ही जस्ट इन द मोमेंट, अगर कोई चीज़ सही लगी वो करेगा, कोई चीज़ गलत लगी तो आवाज़ उठाएगा। तो साहिल एक तरफ से he's a typical youth of the country who will believe in changing what's wrong into right and standing up for what's right all the time. Aur bada in the moment type banda hai, jaise maine kaha, zyada kuch sochta nahi hai, jo dil mein aaye wohi karta hai, and yeah, very free flowing, incorrigible, just who I am in a way. He is that way. मतलब आई डोंट नो व्हेन इट कम्स टू लव हाउ ही इज, बट बिंदास, वो जैसे उसने फैंक दी वैसा एकदम बिंदास। आपके शो के लिए कैसे रिव्यूज मिले हैं आपको? ओह, दे आर फैमिली फ्रेंड्स, नो, सो दे लव यू व्हाटएवर दैट यू डू। वेटिंग फॉर योर रिव्यूज। या आई नो, ऑफ कोर्स ना, एज एन एक्टर आपको अगर एक चैलेंजिंग, इट्स नॉट अ वेरी चैलेंजिंग, बट हाँ, ये डे टू डे लाइफ में आप नहीं करते, तो ऐसा रोल मिल जाए तो सभी बहुत खुश होते हैं आपके लिए कि चलो आपको कुछ अच्छा काम मिल गया करने के लिए। You've been associated with Z since a long time. Was this show intentional? नहीं नहीं, हमें इतने options नहीं मिलते हैं कि हम अब ये list है इसमें से choose करो, ऐसा नहीं होता है। There are so many actors, there are so many stories that come along. It's just that I'm fortunate and I'm lucky that I'm coming back to Z. What is your reaction when you hear about such a relation in real life? Positive. नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक डांस टीचर है जिनके पास मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से जाती थी, उनका एक स्टूडेंट, शी हैज़ डिवोर्स्ड, शी हैज़ अ 17 ईयर ओल्ड, एंड दैट 17 ईयर ओल्ड इज़ अ रिबेल, लाइक वी ऑल हैव बीन अ रिबेल व्हेन वी वर 17। शी इज़ गॉटन मैरिड टू अ स्टूडेंट हु इज़ 11 ईयर्स यंगर टू हर, एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर दैट किसी की लाइफ बन रही है, आप कैसे रोक सकते हो किसी को प्यार करने से? एक लाइफ होती है, उसमें भी आपको, अगर आपका आपके हस्बैंड के साथ नहीं बना तो आप ज़िंदगी भर सफ़र क्यों करते हो उसके लिए? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन रियल लाइफ में इतने इश्यूज नहीं बनते हैं। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो ना, तो लोग ये स्टेप ले लेते हैं। ये सीरियल वाइज, क्योंकि हमारी सीरियल की ऑडियंस इज़ बहुत वेरीड ऑडियंस है ना, अर्बन एरिया में तो ये थोड़ा कम है कि सब अपोज करें। जी, और बड़ा ही सिंपल, आई थिंक इफ टू पीपल आर इन लव, देन व्हाई जस्ट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग टुगेदर? लाइक वाई थिंक अबाउट द सोसाइटी? आई नो दिस सोसाइटी सोचेगी, बोलेगी, ताने मारेगी, लेकिन वो सब छोड़ के आप अपनी जिंदगी जियो उनके साथ। आई थिंक दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस। अदर शोज विद सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैव रिसीव्ड मिक्स्ड रिएक्शंस। उसमें और छोटा नहीं था, आप डिफरेंट शोज कंपेयर कर रहे हो ना, क्योंकि ये तो मतलब मैं तो हूँ 24 साल का, एडल्ट है ना, ही इज ऑल, ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। तो मुझे लगता है आई एम मेकिंग माय ओन डिसीजंस बाय फॉलिंग इन लव विद हिम, कर रहा हूँ मैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट शोज को आप कंपेयर करिए, और दिस इज मोर एक्सेप्टेबल, दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। कैसी है यार, योर सीजन 3 इज कमिंग, व्हाट डू हैव टू से अबाउट दैट? हां, या दीस गाइस आर डूइंग इट, आई स्पोक टू देम एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम, दे कमिंग बैक टुगेदर फॉर, ऑफ कोर्स, आई थिंक नथिंग लाइक कैसी यार, दैट वाज द ब्रेक दैट ऑल वी यंगस्टर्स गॉट ऑन द शो। आई थिंक जो भी कैसी यार से एसोसिएटेड था, वो सब आगे चल के उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। So my great wishes to them and I love them very immensely.
And let's just hope they break all possible views and break records and set new trend marks. Karan, are you supporting Vikas? I am not watching Big Boss at all, so I have no idea what's happening. I just keep seeing whatever comes on Instagram, so I really have no idea about what's happening. Anything you would like to say to the fans? Thank you. I'm coming back after Suhani Si Ek Ladki. I was playing a very dark character over there. So ye jo character hai uska opposite hai. Ek taraf se light hearted hai. Energy bahut hai isme. To ho sake to accept karna mujhe ye is kahani ko. I'm playing a 24-year-old Sahil Agarwal who falls in love with her. She's 42. But लेकिन क्या करें अभी जो फैक्ट है वो है हाँ तो लेकिन एक तरह से खुश हूँ मैं कि मुझे कुछ अलग करने मिल रहा है लाइफ में निभाने मिल रहा है ऐसा किरदार सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस एंड आई होप यू गाइस लाइक अस थैंक यू मैं कहना चाहूँगी सारे जी ऑडियंस से खास क्योंकि ये मेरा थर्ड शो है जी पर और 3 साल के बाद मैं फिर से वापस आ रही हूँ तो प्लीज़ आप इस शो को देखकर तुरंत ही ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा तो होता नहीं है और ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं करते एक बार देखने की कोशिश करिए हम कुछ अलग सेंसिटिव इशू पे बात करें लेकिन बहुत ग्रेसफुली और बहुत अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी देखिएगा आपके फैमिली को भी दिखाइएगा और प्लीज़ हमें एक्सेप्ट करिए और थोड़ा सा आगे हमें बढ़ने दीजिएगा ताकि स्टोरी आगे बढ़े टू नो मोर अबाउट द शो ट्यून इन टू indiaforums.com Hi, this is Suhasi and you're watching me on India Forums. Guys, my name is Karan Jotwani. You're watching me on India Forums. Thank you. Ashima Chawla, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.